वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू रेसिपी। सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। रक्षाबंधन की इस स्पेशल ओकेशन को आपके घर में अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए, मावा स्वीट फ्लावर रेसिपी, जो देखने में एकदम ज़्यादा यूनिक है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले गैस ऑन करके हम एक पैन चढ़ा देंगे। पैन में ऐड करेंगे 1/4 कप शक्कर और ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। जितना शक्कर आप लेंगे उससे डबल पानी लेना होगा और मीडियम हीट पे हम एक तार बनाने तक शुगर सिरप को पका लेंगे। यानी कि जब हम हाथों में इस तरीके से लेंगे आपको एक लाइन दिखाई दे, कुछ इस तरीके से। अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसी पैन में ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 2-3 बड़ी चम्मच हम दूध का यूज़ करेंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। गैस ऑफ करके ही हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। अभी हम गैस को फिर से ऑन करेंगे और मिल्क पाउडर को अच्छी तरीके से एकदम लो हीट पे रख के पका लेंगे। कंटिन्यूसली हमें स्पैचुला को चलाते जाना है और गैस का जो हीट है वो लो हीट पे ही रखना है, वरना लगने की चांसेस है। जब इस तरीके से एक डो बन जाएगा और कढ़ाई छोड़ने लगेगा, हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जितना घी और अच्छी तरीके से फिर से 1-2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। ड्राई और एक अच्छा सा डो बन जाएगा तब हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम वेट करेंगे। जितना हम हाथों पे सहन सकते हैं उतना ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि हमें गर्म रहते ही इसकी डिज़ाइन बना लेना होगा, वरना ठंडा होते ही इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि इस पर डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। थोड़ा सा और हम गूंद लेंगे और एक वाइट कलर का डो हम बना के साइड पे रख देंगे और बाकी की जो डो है उसमें हम पिंक कलर यूज़ करेंगे। वाइट कलर का डो हम ज़्यादा लेंगे और पिंक कलर का डो हम कम लेंगे। मैं इस 2 कलर की रोज़ बनाऊंगी, आप अपने पसंदीदा कलर चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो पिंक पोर्शन को ज़्यादा रख के वाइट पोर्शन को कम भी रख सकते हो। इस तरीके से हम 2 प्लास्टिक ले लेंगे और इसको रोल कर लेंगे। प्लास्टिक लेने से ये चिपकेगा नहीं। और एक कुकी कटर लेके या फिर घर में अगर आपके पास कोई भी राउंड शेप का टूल्स है उसका यूज़ करके हम इसको कट कर लेंगे। सेम तरीके से हम पिंक डो को भी बेल लेंगे और उसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाइट पोर्शन को कट करते हुए हमने जो कुकी कटर लिया था, पिंक पोर्शन को कट करने के टाइम हमें उससे छोटा कुकी कटर लेना है, यानी कि 2 साइज़ का बनाना है। आप चाहो तो वाइट को छोटा और पिंक को बड़ा भी रख सकते हो अपने पसंद हिसाब से। और कुछ इस तरीके से हम रोज़ डिज़ाइन बना लेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और रोज़ की हर एक पेटल्स एक के साथ एक अच्छी तरीके से चिपक जाए, इसके लिए हम एक फोक की मदद से थोड़ा सा दबा देंगे। और कुछ इस तरीके से बना के हम बीच में से कट कर लेंगे। इससे हमें 2 स्वीट मिल जाएगा। देखने में थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए बन गया। मेरा आज का रेसिपी यही तक था। मैं आशा करूँगी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। आज चलती हूँ, कल फिर से आऊँगी कोई एक नई रेसिपी के साथ।